Dear students, this is chapter number 4 from your book Footprints Without Feet. The name of a chapter is A Question of Trust, written by Victor Canning. Now let's start the summary of this chapter. Students, इस chapter के main character का नाम है Horace Delby. Horace 50 years का था और वो unmarried था. Students, Horace बिल्कुल fit था, मतलब healthy था, but गर्मियों में उसको hay fever हो जाता था. Hay fever student एक type की allergy होती है जो किसी को dust से हो जाती है या किसी particular smell से हो जाती है. इसमें छींकी आने लग जाती है, तो ऐसा ही हॉरेस के साथ होता था. हॉरेस लॉग बनाता था और अपने बिजनेस में इतना सक्सेसफुल था कि उसने दो हेल्पर भी रखे हुए थे. हॉरेस अच्छा था और रेस्पेक्टेबल इंसान था, बट कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं था, क्योंकि हॉरेस को 15 साल पहले जेल हो चुकी थी. स्टूडेंट्स, हॉरेस को पसंद थी रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स, इसलिए वो हर साल एक चोरी किया करता था. वो बहुत ही केयरफुली प्लान करता था कैसे चोरी करनी है, और हर साल की तरह इस साल भी उसने चोरी की प्लानिंग की. इस साल वो 2 हफ्ते से प्लानिंग कर रहा था चोरी की एक घर में, जो कहाँ था, शॉर्ट ओवर ग्रेंज में. उसने उस घर के रूम्स, इलेक्ट्रिक वायर, उसके रास्ते और गार्डन को केयरफुली देख लिया था. स्टूडेंट्स, उस घर के जो फैमिली मेम्बर थे वो लंदन में थे, तो घर में सिर्फ 2 सर्वेंट रहते थे जो के घर की देखभाल करते थे. और एक दोपहर वो दोनों सर्वेंट मूवी देखने चले जाते हैं, और इसी बात का हॉरेस फ़ायदा उठाता है क्योंकि उसको इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा. तो वो गार्डन वॉल के पीछे से घर में आ जाता है. हॉरेस को पता था इस घर में एक सेफ है, और उस सेफ में 15,000 पाउंड की कीमत की ज्वेलरी है, और अगर वो इन ज्वेलरी को एक एक करके बेचेगा तो ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000, और इतना बहुत था उसको एक साल के लिए खुश रखने के लिए. स्टूडेंट्स, हॉरेस ने देखा था कि जो सर्वेंट था उसने घर की चाबी को हैंग किया था किचन डोर पर, जो बाहर किचन डोर हुक था उस पर. हॉरेस ने ग्लव्स पहनकर चाबी ली और डोर को खोल दिया. स्टूडेंट्स, हॉरेस हमेशा से ही केयरफुल रहता था कि कोई भी फिंगरप्रिंट ना रह जाए, इसलिए वो ग्लव्स पहनकर ही चोरी करता था. जैसे ही उसने डोर ओपन किया, एक छोटा सा डॉग लेटा हुआ था और वो हॉरेस को देखकर एक्टिव हुआ, बट हॉरेस ने उसको उसके नाम से बुलाया, शेरी, तो वो डॉग साइलेंट हो जाता है और उससे कुछ नहीं कहता. स्टूडेंट्स, वो जो सेफ थी जिसमें ज्वेलरी थी वो ड्राइंग रूम में थी, एक ख़राब सी पेंटिंग के पीछे. हॉरेस थोड़ी देर के लिए सोचने लग जाता है कि उसको पिक्चर कलेक्ट करनी चाहिए बुक्स के बजाय, बट पिक्चर बहुत ही जगह लेती है, इसलिए बुक्स ही बेटर है. स्टूडेंट्स, वहाँ पर एक बड़ा सा बाउल पड़ा हुआ था फ्लावर्स का, और हॉरेस को उन फ्लावर्स की स्मेल से छींकी आने लग जाती क्योंकि उसको हे फीवर की प्रॉब्लम थी. हॉरेस अपने काम में बिजी हो गया सेफ खोलने की, तभी उसको डोरवे से आवाज़ आई कि ये कोल्ड है या हे फीवर. हॉरेस ने बिना सोचे जवाब दे दिया हे फीवर, और उसको दोबारा से छींक आने लगी. हॉरेस देखता है कि वहाँ एक लेडी थी जो यंग थी और क्वाइट प्रिटी थी, और उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी. हॉरेस उसको देखकर घबरा जाता है क्योंकि हॉरेस को ये लगता है कि इस घर की जो मालकिन है, जो ओनर है, वो इस घर में आ गई है और उसने उसको चोरी करते हुए देख लिया है. तभी वो लेडी हॉरेस से कहती है कि अब तुम क्या करोगे. तो हॉरेस कहता है कि मैं यहाँ से भागने की सोच रहा था. फिर लेडी कहती है, अगर तुम भागोगे तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी और तुम्हें पकड़ लेंगे, क्योंकि तुम जैसे लोग सोसाइटी के लिए खतरा हो. स्टूडेंट्स, हॉरेस कहता है, मैं सोसाइटी के लिए कोई खतरा नहीं हूँ, मैं सिर्फ रिच लोगों के घर चोरी करता हूँ, वो भी चोरी का मेरा पर्पस अच्छा है. और फिर हॉरेस उसे प्रॉमिस करता है कि मैं अब कभी दोबारा चोरी नहीं करूँगा. तभी वो लेडी टेबल पर से एक सिल्वर बॉक्स उठाती है और उसमें से एक सिगरेट लेती है.
और हॉरेस उसको खुश करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए अपने ग्लव्स उतार कर सिगरेट लाइटर देता है। अब स्टूडेंट्स, वो लेडी कहती है, ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगी, बट उसके लिए तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी होगी। वो लेडी बताती है, मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था लंदन जाने से पहले मैं सेव की सारी ज्वेलरी हमारे बैंक में रख दूंगी, बट मुझे आज रात पार्टी में ये ज्वेलरी पहननी है। और तभी हॉरेस कहता है, तो तुम इस सेव का नंबर भूल गई हो, डोंट वरी मैं ये सेव का लॉक तोड़कर तुम्हें ज्वेलरी दे दूंगा। हॉरेस ने ऐसा ही किया, बट स्टूडेंट यहाँ पर हॉरेस ने अपने हाथों में ग्लव्स नहीं पहने हुए थे, वो सेफ का लॉक तोड़कर ज्वेलरी उस लेडी को दे देकर चला जाता है। सो स्टूडेंट, दो दिन तक तो उसने अपना प्रॉमिस निभाया, जो हॉरेस था उसने अपना प्रॉमिस निभाया कि मैं चोरी नहीं करूँगा, लेकिन थर्ड डे वो चोरी करने की सोचता है, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि उसे अरेस्ट कर लिया जाता है ज्वेलरी चोरी करने के इल्ज़ाम में शॉर्ट ओवर ग्रेज। हॉरेस सबको बताता है कि सेफ तोड़ने के लिए इस घर की ओनर ने ही उसे बोला था। जब उस घर की ओनर उसके सामने आती है तो वो 60 years यानी 60 साल की एक बूढ़ी औरत होती है, मतलब वो यंग लेडी भी हॉरेस की तरह एक चोर थी और उसको वो उस घर की ओनर समझ लेता है और सारी ज्वेलरी उस लेडी को दे देता है। उसके बाद हॉरेस को जेल हो जाती है। अब स्टूडेंट्स, Horace is now the assistant librarian in the prison. He often thinks of charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. So that's all about this story, students. Thank you for listening.